हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। जबरदस्त तेजी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स करीब 200 पॉइंट के उछाल के साथ बंद हुआ। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आज का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,690 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,592। कल का वीडियो का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, जस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और ज़बरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिली। तभी फर्स्ट टारगेट 14,717, सेकेंड टारगेट 14,745 दोनों भी अचीव हुए। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, काफ़ी टाइम सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। और जैसे ही ये जो कंसोलिडेशन फेज बन रहा था, इसको ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद और भी तेजी से निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ बढ़ा। कल अभी मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन जो तेजी है वो आगे भी बरकरार देखने को मिल सकती है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। पेन लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, मंथली एक्सपायरी का दिन है। चलते हैं एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट में जैसे हमने यहाँ पर कल आइडेंटिफाई किया था कि इन तीनों मूविंग एवरेजेस का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, तीनों मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट मिला है। अभी यहाँ पर कंफर्मेशन भी मिला है। कंफर्मेशन के बाद यहाँ लास्ट अगर आप देखें स्विंग हाई बना है, ये अराउंड 14,875 के पास ही बना है, ऑलमोस्ट 890 के पास, जहाँ पर आज का डे हाई है। तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो और भी तेजी कल के दिन दिखे देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर ये जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, इनको सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक दिखाए। तो अगर ये टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो फिर से एक बार जब ये दोनों शॉर्ट टर्म या मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के पास है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर अगर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाए तो फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। चलते 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट को अगर हम काफ़ी दिन का हिस्ट्री लेकर देखें तो यहाँ पर ऊपर इस लेवल के आसपास जहाँ पर इसने आज 14,890 के आसपास इसने हाई बनाया है, तो उसी लेवल के पास अगर देखें तो पास्ट में यहाँ पर कई दफ़ा इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये तीसरी बार, अभी ये फोर्थ टाइम है। तो ये जो लेवल है काफ़ी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, हर्डल हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो इस लेवल के ऊपर यानी अराउंड 14,890 के ऊपर अगर सस्टेन करे निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,910, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,936, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप, कल भी गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, जब फिर से दोबारा ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करे या फिर ब्रेकडाउन लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे तभी एंट्री लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। गैप अप या गैप डाउन के बाद एंट्री लेना काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, तो वेट करें। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो गैप बना था यहाँ पर, इसका ये जो इनिशियल लेवल है यानी 14,787 जहाँ पर आज हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट था, ये लेवल हम ब्रेकडाउन लेवल एज अ मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे चला जाए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा तभी 14,763 फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,743, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए यानी 29 अप्रैल। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी देखें तो ब्रेकआउट लेवल के जस्ट नीचे ओपन हुआ, यहाँ से टूअर्ड साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये बढ़ा और एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट जो हमने मार्क किया था यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। जब यहाँ से करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई हल्की सी, तो 20 EMA को एज अ सपोर्ट इसने टेस्ट किया और यहाँ से ज़बरदस्त तेजी दिखाई सेकेंड टारगेट को ब्रेक करने के बाद, और भी तेजी से बैंक निफ्टी टूअर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा। तो ये बैंक निफ्टी का रिव्यू था।
कल का जो हमने प्लान बनाया था, अभी एक्सपायरी के दिन क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर भी सेम 60 मिनट के चार्ट में देखे बैंक निफ्टी में, तो इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है पास्ट में 2 बार, यहाँ पर एक, फिर ये दूसरी बार, और अभी हो सकता है ये तीसरी बार इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करे। तो 33,922 को ब्रेक होने दीजिए कम्प्लीटली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,109। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 34,289। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल बन रहा है आप देख सकते हैं, इस लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया है, उसके बाद यही लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो यहाँ पर 33,198 के नीचे चला जाए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,067। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,971। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी एक्सपायरी के दिन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।